मोदी सरकार द्वारा पेश किया गया अंतिम बजट व्यापारियों के लिए मनभावन रहा। लोकसभा में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारियों ने स्क्रीन पर बजट का लाइव प्रसारण देखा। जैसे जैसे कार्यवाहक वित्त मंत्री बजट पढ़कर सुनाते रहे, उसी के साथ साथ व्यापारियों के चेहरे भी खिलते चले गए। व्यापारियों ने इस बजट को मझोले व्यापारियों के लिए लाभदायक बताया। वहीं नौकरी पेशा व आम वर्ग के लिए भी बजट को हितकारी बताया। व्यापारी हित में क्या मानते हैं बजट? व्यापारी हित में बजट जो है बहुत अच्छा है, बजट आएगा। और ये भी कहते हैं कि जो समस्याएं मीडियम लोगों के व्यापारी के हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई थी, जो अभी दूर। अच्छा, जो अभी तक आप देख रहे हैं, क्या आकलन निकाला, क्या कुछ कहा? बस समस्याओं का अगर समाधान हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और समस्याएं थी हमारी, जैसे लोन मिलना था या लोन का ब्याज बहुत ज़्यादा था उसको कम किया है। जो हमारे कलेक्शन GST का था वो अब बहुत अच्छा होता जा रहा है धीरे धीरे करके। और व्यापार करने में भी जो है जो सुगमता हमें पहले से मिली है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो रैंकिंग है वो इंडिया की बढ़ गई है व्यापार करने में। विदेशी लोगों को भी अब सुगमता है इंडिया के अंदर, वो एक बहुत अच्छी बात हमारे व्यापार के लिए है, खासतौर से मीडियम क्लास के जो हमारे व्यापार हैं मंझले के, उनके लिए बहुत अच्छी।